हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ प्रधान्स किचन। आज आम मालपुआ बनावाली जाऊँ। इटा गोटे डिफरेंट भेरटर मालपुआ है, तो ये मालपुआटा मानने आम जिनका खाईसूँ हे टाइप मालपुआ नुह से, तो चलन देखमा ये के घरे बनाबे जे। ये मालपुआ बनावाली काना सब दरकार स्क्रीन में देखिपे, दरकार जदि अच्छे बोले स्क्रीन के पज कर देखिपारे। तो पहला मुझे क्या करमी, जन गुरस नहीं थी, गुरस गोटे लिटर गुरस, आधा लिटर वाला दुईटा पैकेट नहीं थी, देखी पारे। तो मुझे गरम करमी, फुटामी इतने फुल क्रीम मिल्क है भल है। फुल क्रीम मिल्क बोले किसी मानने स्पेशल मान मिल्क नुहे, से सर नहीं थिला वाला जन गोटे जन मिल्क मिलसे, टोन मिल्क मिलसे, मिल्क छाड़ी जेन गुरस ना भी चलवा। जिनका गाई गुरस जिनका मिलूँ जदि मिली पार्स बोले बहुत बढ़िया, कि भैंस गुरस है भी आहरी बढ़िया। स्वीट आइटम बनाबार लगे भैंस गुरस भी बहुत बढ़िया लग्स। तो मुझा टी सैफ्रन केसर बोलसन जेन केसर टी पकईदेली, केसर जदि नाइन बोले भी चलवा, किसी दरकार ना से, खाली कलर टी आसवा भल बास्ना आसवा बोले मुझे पकईे। देखी पड़ते कलर मैंने हो बसला हलदिया हलदिया, यहाँ जितनी फुटवा गुरस जितनी फुटवा तार कलरटा आईतेल जावा, ये केसर कलरटा आईतेल जावा। गुरस आमको फुटाबार अच्छे, जेन लिटरे गुरस अच्छे से आमको पाए बनाबार अच्छे, जाने भी है जो आमको पाए बनाबार अच्छे। आउ से पाए बनाला भितर आमको क्या करबार अच्छे, जेन सर जेन पड़ जाऊे सर के भलसे मिसावार अच्छे, कहीं जानी थे सर गरम गरम गुरस जेन सर पड़सी, सर जदि मैदा पड़वा बोले लम्स फर्मेसन ढीणा हबार चान्स बेसी थी। तो चेष्टा करबे कि सरटा मिसावा चेष्टा करबे। देखिपे कलरटा बहुत बढ़िया देखा, हलदिया देखा गलान। तापर मुझे क्या कमी हिट कम कर देकर गोटे गोटे चामच मैदा पकामी थे, मैदा पकाला सांगे सांगे ताकि भलसे मिसाबे, एंता लम्स फर्मेसन नहीं हबार कथा। गोटे लिटर गुरस रे मुझे पहला पाए बनईदेली, तापर से मुझे छः चामच पाँच रु छः चामच मैदा पकईकर ये भलसे घाटुचे और भलसे मिसावा चेष्टा कर। बढ़िया से मिसले से बढ़िया है, से फ्लफी भी हेसी। इटा टिके टाइम लगसे, टिके पेसेंस धरिकी बनाबे, मैंने मिसवाटा जेन मैदा मिसवाटा टिके गरम कैसे भी देखी पारे। आप जानते कि मैदार आम जो अठा बनासु तो गरम पैन थी सांगे सांगे मैदा पकईदे गोटे मुंडा हबार चान्स देसी, तो से टाइप रो लम्स फर्मेसन हबार लगे नहीं देवे। ये भलसे मिसाबे, भलसे मिसाला पर देखे आम छानबार लगे बनामा। ये कि बहुत इजी है, बेसी किसी मेहनत नहीं लगे। इथी बहुत लोग कदल भी पकई पारे, कदल चाहिए बोले कदल पके पारे, भलसे मिसेकर काजू गुण पकाले भी चलसी बढ़िया लगसी। किंतु मुझे किसी बेसी किसी नहीं मिसाबार, सादा कम थी जनता बनसी से हिसाब से बनाऊे। ये देखी पड़ते भलसे मिसई देलापर मुझे 20 मिनट ताके ढापिक रखीदेवि। तापर आम क्या करवा, चाशनी बनावा जाऊ। चाशनी बनावा गोटे कप चीनी तसे अधा कप पैन देवार अच्छे। चाशनी बनला पर से चाशनी के जेन थी से चाशनी ऊपर आमको छानला पर पकावार अच्छे। जेनता कि नॉर्मल स्वीट बनाले जेनता गजा बनासु, मीठा वाला गजा बनासु, तो से नॉर्मल प्रोसीजर किसी अलग किसी नुहे से। तो चाशनी बनवार लगे मुझे क्या करमी, से जेन इलायची गुण मुझे रखीदेली, इलायची गुण टी पकईदे बास्नाटा बढ़िया आसवा बोल। तो बेसी टाइम फुटावा नान, चीनी मेल्ट होगा बोले हेगला। देखी पार्थे इटा इलायची गुण मुझे पकईदेली, गोटे चामच कुटिकी रखीदेली। इटा बजार इलायची पाउडर भी मिलसी, जदि इलायची पाउडर नहीं ना बोले भी इलायची दु तीन टा कुटिकी पकई पारे। देखी पार्थे पैन फुटी आसलान और चीनी मेल्ट होगलान। तो सुगर सिरप आम रेडी होगा, जहाँ ओह्ल करी जेन मुझे बनई थी छानबार अच्छे। जेन मुझा गोटे पहला देखी पार्थे इटा मुई गोटे छानवा लगे ट्राए करी के छानी हो नहीं बोलिकी। इतने सेलो फ्राए कले भी चलवा, डीप फ्राए कले भी चलवा। तो मुझे क्या करे दुईटा मिसा मिसकर गोटे मैंने क्या बोल तावा जेन थी तावा पकईदेसी। इटा तेल टिके देकर छानुचे, इटा तलफाले गोटे जेन लेयर थी जेन रेड कलर जेन
ଲେୟର୍ଟେ ଥିସି ସେଟା ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯିବ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏସି। ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲିକିରି ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବଡ଼ ଫ୍ରାଇଂ ପ୍ୟାନ୍ କି ବଡ଼ କଢ଼େଇ ନେ ନେଇକିରି ଗୋଟେ ତାୱାଟାକେ ମୁଇଁ ଏଇଟା ମୁଁ ତେଲ ଟିକେ ନେଇକିରି ଏଇଟା ଫ୍ରାଏ କରୁଛେ। ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ବନାବା ଲାଗି, ଯାହାକି କମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ସେ ସିଝି ପାରୁଛି ଆଉ ଭଲସେ ଫ୍ରାଏ ହେଇପାରୁଛି। ଚିନି ଆମର ନାଇଁ ଦେଇ ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲିକିରି ଆମର ତଲେ ଲାଖେ ନାହିଁ ଚିନି। ଯଦି ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ଆମେ ଚିନି ଯଦି ଦେଇକିରି ଯଦି ଆମେ କରିଛି ତ ଯଦି ଯେନ୍ ପିଠଉ ଟାଇପ୍ର ଯଦି ବନେଇଛୁଁ ସେଟାକୁ ଯଦି ଚିନି ପକେଇ ଦେଇକିରି କରିଥା ତ ତଲଟା ଲାଗିଯାଇଥିତା ଆଉ ସେଟା ବି ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିତା। ତ ସେଟା ଚିନି ନାଇଁ ଦେଲେ ସେତିକି ବଢ଼ିଆ ହେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ ଅଲଗା ହେବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି। ଏନ୍ତା ଆର ସାଇଡ଼୍ ବି ସେଇ ଟାଇମ୍ ଯେତିକି ଟାଇମ୍ ଫ୍ରାଏ କଲେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଆର ସାଇଡ଼୍ ବି ସେ ହିସାବରେ ଫ୍ରାଏ କରିବେ। ତ ଏଇଟା ଅଲମୋଷ୍ଟ ହେଇଗଲାନ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେମିତିକି ଛାନିକିରି ବାହାର କର୍ମା। ଗୋଟେ ଟିସୁ ପେପର୍ରେ ମୁଁ ଏଇଟା ରଖିଦେବି, ଯେଉଁ ବାକିଟା ଯେତିକିଟା ଅଛେ ସବୁ ଭଲସେ ବାହାର କରିଦେମା, ଛାନିକିରି ବାହାର କରିଦେମା ଏଇଟାକେ। ତାପରେ ଏଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ମୁଇଁ ଯେନ୍ ସୁଗର ସିରପ୍ ଯେନ୍ କରିଥିଲି ଯେନ୍ ଚାଷ୍ନି ବନେଇଥିଲି ଚାଷ୍ନିରେ ଏଇଟାକେ ପକାବାର ଅଛି। ତ ପ୍ରୋସିଜର ବେଶୀ ଡିଫିକଲ୍ଟ ନୁହେଁ, ସେ ଖାଲି ଡିଫିକଲ୍ଟ ବେଲେ ଯେନ୍ଟା ଯେନ୍ ମିଶାବାରଟା ସେଟା ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେ। ଚାଷ୍ନିରେ ପକାବାର ଆଗରୁ ମୁଇଁ କାଁ କରିବି ଆଉ ଥରେ ଚାଷ୍ନିକେ ଗରମ କରିଦେବି, ତ ଯେନ୍ ବସି ଯାଇଥିଲା ଚିନିଟା ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ ମିଶିବା ସେଟା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିନି ଗରମ ହେଇଗଲା, ଚାଷ୍ନିଟା ଗରମ ହେଇଗଲା। ଏ ଗରମ ଚାଷ୍ନିରେ ମୁଇଁ କାଁ କରିବି ଯେନ୍ ବନେଇଥିଲି ପକେଇଦେବି ଏଠି ସବୁ ମାଲପୁଆକେ ମୁଇଁ ଏଇଟା ପକେଇଦେଲି। ଏଠି ଚିନି ସିରପ୍ରେ ଯେନ୍ ଚାଷ୍ନିରେ ଥିଲା ସେଇଟା ପକେଇଦେଲି, ଆଟଲିଷ୍ଟ 2 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ରଖିବି ଏଇଠି ସୁଗର ସିରପ୍ଟା ଭେଦବା ବୋଲିକିରି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଯଦି ଏଇ ରେସିପି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ତ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍ ଜୟ ଭାରତ।